सुप्रीम कोर्ट ने नस्लाटार केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद, अदालत का नस्लाटावर फौरी मिसमार करके मलबा साफ करने का हुक्म। अदालत ने कहा कमिश्नर कराची ने तहाल अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, फौरी अमल दरामद ना हुआ तो कमिश्नर कराची के खिलाफ कार्रवाई होगी। तिजोरी हाइट्स मिसमार करके 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। पेट्रोल का बहरान, हर तरफ बेयकीनी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल से सब परेशान, कहीं पंप्स खुले तो कहीं बंद हैं। पेट्रोल ना मिलने पर आवाम के झगड़े, पेट्रोलियम डीलर की कराची में अहम बैठक, आज बहरानी कैफियत खत्म होने का इम्कान। पीएसओ के ज्यादातर पंप्स इस वक्त खुले हैं। हमाद अजहर कहते हैं बड़ी कंपनियों के कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स भी खुले हैं, शाम तक मजीद पेट्रोल पंप्स खुल जाएंगे। डीलर्स एसोसिएशन से राबते में हैं, जायज मुतालबात पर कीमतों का ज्यादा बोझ ना आवाम पर ना डालें। देखिए वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोर जोर के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। इश्तिहारात बंद कराने की ऑडियो असली होने का एतराफ, वज़ारत इत्तला'आत सरगर्म, नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी होने वाले इश्तिहारात की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक मरियम नवाज़ की सरपरस्ती में मीडिया सेल के जरिए कौमी खजाने से भारी रकम खर्च की गई। फवाद चौधरी कहते हैं बड़े मीडिया ग्रुप्स ने इश्तिहारात का डेटा तक छापने की जरूरत नहीं की, मीडिया की आज़ादी के नाम पर कायम ब्लैक मेलिंग के किलों को मिसमार करना लाजिम है। अगर नैब की कोई हमदर्दी है तो पाकिस्तान और स्टेट के साथ है, गवर्नमेंट आती है गवर्नमेंट चली जाती है। जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, आप बताएं आपने आज तक कंप्लेंट कितनी फाइल की? आप आज कंप्लेंट फाइल करें, मैं 48 घंटे में उस पर एक्शन लूँ। मेरे लिए कोई यहाँ मुकदस गाय नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। नैब की हमदर्दी सिर्फ मुल्क और रियासत के साथ है, कोई मुकदस गाय नहीं, जो करेगा वो भरेगा। चेयरमैन नैब की खरी खरी बातें, कहा कुछ लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नैब इनको बुलाएगा, करप्शन का हिसाब मांगेगा, हमने आपको बुलाकर कानून के मुताबिक काम किया। आप कहते हैं नैब हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, आप बताएं आपने कितनी शिकायत दी? आप आज हुकूमत के खिलाफ शिकायत दें, मैं 48 घंटों में एक्शन लूंगा। दुनिया के 1% बासर रिसर्चर्स में पाकिस्तान के एक और प्रोफेसर भी शामिल, माहिर तालीम डॉक्टर मुबशिर हुसैन रहमानी को ये एजाज मुसलसल दूसरे साल मिला है। छठी थल जीप रैली का आगाज, मुल्क भर से मर्दों खवातीन रेसर्स शरीक। पहले रोज छांगा मांगा टीले पर रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग मुकम्मल, क्वालिफाइंग राउंड 26 नवम्बर को होगा। वालेकुम सलाम, किधर जाना? डी ग्राउंड। मैं नहीं जाना। और बरतानिया से लिटिल मैनचेस्टर फैसलाबाद की सैर को आया खास मेहमान, सड़कों पर रिक्शा चला रहा है, परदेसी रिक्शा ड्राइवर को हर देखने वाला वेलकम कर रहा है। My time in Pakistan was like amazing, an amazing time. I can't wait to come back and explore more of this amazing country.